शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज पति चला गया नरक में, लेकिन वो भी तो शिवलोक में ही बाद में चला गया। नहीं नहीं, विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहा था। कहा महाराज फिर उसका क्या हुआ, पिशाच योनि से वो छूटा कि नहीं छूटा, कब तक पिशाच योनि में रहा, आगे क्या हुआ उसका? जो चंचुला है उसके पति की आगे की कहानी हमको बताइए। सूत जी ने कहा वो भी सुन लो। एक दिन की बात है, ये चंचुला दो है वो भगवती पार्वती की सखी तो बनी चुकी थी, मुंह लगी होगी। पार्वती जी के पास जाकर के कहने लगी भगवती, उन्होंने कहा बोलो। कहा मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। कहा स्तुति क्यों करना चाहती है? आप प्रसन्न हो जाइए इसके लिए, हम ऐसे ही प्रसन्न हैं बिना स्तुति के। बोलो क्या बात, बहुत प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगना चाहती हो, कुछ तुम्हारे मन में हो तो वरदान मांग लो। चंचुला ने कहा हां देवी, हमको एक वरदान मांगने की इच्छा है। क्या चाहती हो? भगवान शिव के लोक में तुम आ गई हो, हमारी सहेली बन चुकी हो, अभी भी तुमको कुछ पाने को बचा है? कहा नहीं, कुछ पाने को तो नहीं बचा, लेकिन भारत की नारी हूं ना, बार बार पूर्व जन्म के वो जो बिंदुक नाम के हमारे पति थे उनकी याद आती। हम तो शिव पुराण की कथा के श्रवण से आज आपके सानिध्य में विराजमान हो गए, उनका क्या हुआ होगा? वो तो हर समय पाप में ही उनको प्रसन्नता होती थी, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, और अगर वो उनकी कोई दुर्गति है तो उनको सदगति में बदलना चाहते हैं, यही इच्छा हमारे मन में आ रही है। माता गिरिजा बोली वो तो बड़ा पापी था तुम्हारा पति, मरने के बाद नरक चला गया और इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहा है, वायु पी करके केवल रह पा रहा है। जो पिशाच योनि है ये खून पीती है, और खून न पीले पिए तो कुछ खा नहीं सकती, क्योंकि इनका मुंह ही बहुत छोटा होता है, सूची मुख, सुई की तरह मुख होता है, या तो खून पियेंगे और या तो फिर हवा पी के रहेंगे। उसको वहां कोई खून मिल नहीं रहा है, वायु पी करके रह रहा है, बड़े कष्ट में है। ये सुन करके चंचुला दुखी हो गई, मेरे पूर्व जन्म के पति दुखी हैं। फिर से भगवती से पूछा माँ क्या उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकता? कोई तो उपाय होगा जिससे उनको भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाए। पार्वती जी ने कहा ये कैसी बात तुम करती, तुम भी तो पापिनी हो गई थी उन्हीं के साथ रह करके, याद करो, केवल आधा आधा याद कर रही हो, पूरा याद करो, तुम्हारे पति पापी थे, तुम नहीं थी, लेकिन बाद में तुम भी पापिनी हो गई थी, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? जैसे तुम्हारा उद्धार हो गया वैसे क्या तुम्हारे पति का नहीं हो सकता है? जिस दवा से हमारा बुखार उतर गया उसी से आपका भी उतर सकता है। श्रुणियाद यदि ते भर्ता पुण्याम शिव कथाम पराम निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्नुयादिति। अगर तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसको भी सदगति प्राप्त हो सकती है। चंचुला कहना लगी माँ कुछ व्यवस्था करो ना जिससे हमारे पति भी शिव पुराण की कथा सुन लें। उन्होंने कहा वो तो विंध्याचल पर्वत पर है। कहा माँ आप जो चाहें सब हो सकता है, आपको तो केवल चाहना है। तो भगवती पार्वती जी ने कृपा करके जो तुम्बुरु नाम के एक गंधर्व हैं उनका स्मरण किया। स्मरण करते ही तुम्बुरु आ गए। माता ने आदेश किया तुम्बुरु मेरी एक सखी है ये चंचुला, इसको साथ लो और इसके साथ विंध्याचल पर्वत पर चले जाओ। विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच जिसका पूर्व जन्म में बिंदुक नाम था वो रह रहा है। ये पूरी कहानी सुना दी कि कैसा कैसा था और कैसे कैसे इसकी दुर्गति हुई है। तस्याग्रे परमाम पुण्याम सर्व पाप विनाशिनीम
दिव्याम शिव पुराणस्य कथाम कथयेतः। उसके पास जाकर के ये जो सब पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की कथा है ये सुनाओ। तो भगवती की आज्ञा पा करके चंचुला को साथ में लेकर के तुमरु विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पर बिंदुक का पिशाच रह रहा था। वो पिशाच बड़ा विशाल था, विकराल, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। उसको रोकना चाहते थे, रुकता ही नहीं था, क्योंकि वायु के साथ उड़ता है शरीर, एक स्थान पर रुकना मुश्किल है। धुंधकारी भी यही हो गया था, प्रेत योनि में चला गया था। उसको कहते थे रुको, तो नहीं रुक पाता था। इसीलिए सात कांठ वाला जो बांस गोकर्ण ने गड़वा दिया और कहा कि इसी के अंदर घुसो, तो जब उसके अंदर घुसा तब रुक पाया, स्तंभन हुआ। माने उसको भी आलम्बन की जरूरत पड़ी, नहीं तो रुक नहीं सकता था, यहां से वहां यहां से वहां। ऐसे ही ये बिंदुक का जो प्रेत था वो भी रुक नहीं पा रहा था, तो तुम्बुरु ने पास से उसको बांधा और बांध करके बैठा दिया और फिर उसको शिव पुराण की कथा करानी सुनानी शुरू कर दी। इधर शिव पुराण सुनाने के लिए उसको बांध करके रखा और शिव पुराण का मंडप बनाया, पंडाल लगाया, मंच बनाया, व्यासासन सजाया। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहा कि शिव पुराण की कथा होने वाली, किसके लिए? का बिन प्रेत है पिशाच, उसके मुक्ति के लिए। तो बहुत से लोगों में प्रचार हो गया कि पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की कथा तुम्बुरु नाम के व्यास जी विंध्य पर्वत पर करने वाले हैं। ये सुन करके बहुत से देवता, बहुत से ऋषि और बहुत से मनुष्य वहां पर आ गए। ये जब कथा आप कहीं शुरू करते हैं तो कुछ कथा के प्रेमी हैं, आप आइए चाहे मत आइए, वो पहले आ जाते हैं और आकर के विराजमान होकर के कथा सुनते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सबसे पहले तो कथा के प्रेमी हनुमान जी हैं। जब भगवान साकेत लोक जाने लगे, अयोध्या का राज्य छोड़ करके कि अब लीला का स्मरण करेंगे, तो सबको अपने विमान में बैठा लिया। हनुमान जी नीचे ही रहे। भगवान पहले सोच रहे थे कि लोगों को चढ़ाने के लिए नीचे खड़ा है, सबको चढ़ा करके खुद भी चढ़ जाएगा, जैसे विमान के कर्मचारी चढ़ जाते हैं। लेकिन जब सब चढ़ गए और फिर भी हनुमान जी नीचे खड़े रहे, तो राम जी ने कहा हनुमान आ जाओ, अब विमान के उड़ने का समय हो रहा है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज जी अरे ये हमारे पास नहीं आना चाहता, हमारे कहे पर मान नहीं रहा है, ऐसा तो इसका स्वभाव नहीं था। तो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आज क्या हो गया तुमको, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, हमारे पास आने के लिए लालायित रहते थे और आज बुलाने पर भी नहीं आ रहे हो। कहा महाराज आज मैं दो राहे पर खड़ा हो गया। दो राहे पर जब कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है उसके सामने दो रास्ते होते हैं, तो फिर दो रास्ते में से किसी एक को उसको चुनना ही पड़ता है। मैं मजबूर हूं क्योंकि मुझे आज एक रास्ता चुनना है। कहा कौन सा रास्ता? दो रास्ते कौन कौन? कहा महाराज एक आप और एक आपकी कथा, ये दो रास्ते अब मेरे सामने हो गए। अभी तक आप मेरे साथ थे, कोई बात नहीं थी, अब आप साकेत लोक जा रहे हैं। अब मुझे आपके साथ रहता था तो दोनों उपलब्ध थी, आपका साथ भी था और बाकी समय में आपकी कथा सुनते थे, आनंद था। अब दोनों में से एक हमको चुनना है, इसलिए हमने आपको छोड़ करके आपकी कथा को चुना है। आपके साथ हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके साकेत लोक में सब कुछ है लेकिन कथा नहीं है। वहां ऐसा पंडाल नहीं लगता,
वहां कोई व्यास नहीं बैठता, वहां कोई पुराण की कथा नहीं होती। तो आपके लोक में आपके पास सब कुछ है, आपकी कथा नहीं है, इसलिए जहां भगवान की कथा नहीं वहां मेरा जाना भी नहीं संभव है, मैं तो कथा सुनने जाता हूं। इसलिए अब मुझे यहीं रहने दीजिए, जहां जहां आपकी कथा होगी वहां सुनूंगा। कहा कब तक यहां रहोगे, आखिर तो मेरे पास आना पड़ेगा। कहा महाराज आपके सिवा मेरा ठिकाना ही कहां, ये तो कथा का आनंद लेने का मन है हमारा। जब तक इस संसार में राम कथा होती रहेगी, शिव कथा होती रहेगी, देवी का पुराण होता रहेगा, तब तक यहां रह करके हम उसको सुनते रहेंगे। जब ये कथा वार्ता बंद हो जाएगी तो आपके लोक में हम भी चले आएंगे। यावद रामायण कथा त्रिशु लोकेषु गीयते, जब तक तीनों लोकों में ये राम की कथा हो रही है तब तक चिरजीवी हनुमान यहां विराजमान है। जहां जहां कथा होती है आ जाते हैं रूप धारण कर। तुलसीदास जी को तो ऐसे ही तो मिले थे। तुलसीदास जी ने शास्त्र वचन पे भरोसा किया, उन्होंने सोचा कि राम नहीं मिलते तो हनुमान ही को पालें, हनुमान के माध्यम से राम के पास पहुंच जाएंगे। हनुमान कहां मिलेंगे, कहा वो तो जहां कथा होती है वहां आते ही हैं। तो तुलसीदास जी जहां कथा होती थी वहां जाते थे और दूर बैठ करके नजारा लेते रहते। वो देखते थे कि एक व्यक्ति है जो सबसे पहले आता है और पूरी कथा में बड़े तन्मयता से सुनता है, आंख से आंसू बहते रहते हैं, रोम पुलकावली बढ़ी रहती है, बड़े ध्यान से कथा सुनता है और सबसे बाद में जाता है। तो जब एक कथा में, फिर दूसरी कथा में, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं में, जब सब में उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति है जो सबसे पहले आया और बाद में गया और पूरी कथा सुनता है, तो समझ गए कि यही हनुमान है। और एक कथा में उन्होंने जाकर के जब जाने लगा तो बाह पकड़ लिया, अब जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों, हम जान गए आप हनुमान जी। हनुमान जी ने गौर से देखा, तुम? कहा मैं राम का भक्त तुलसीदास। कहा बोलो क्या चाहिए। राम जी का दर्शन करा दो, मेरे जीवन की यही एक अभिलाषा है और कोई दूसरी मेरे मन में अभिलाषा नहीं। हनुमान जी ने कहा देखो चित्रकूट में दर्शन भगवान का हो सकता है। तो तुलसीदास जी चित्रकूट गए। वैसे जाते नहीं थे क्योंकि वहीं चित्रकूट का ही उनका शरीर था और बचपन में ही बहुत कुछ भोग चुके थे, तो वहां से उनको वैराग्य हो गया था उस क्षेत्र से। तो सब जगह जाना वो पसंद करते थे, पूरा भारत घूमा उन्होंने। रामचरितमानस में पूरे भारत की सभी भाषाओं के शब्द हैं, जिसको सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं, कि साधु घूमते रहते हैं तो कहीं कहीं के शब्द उनके ध्यान में आ जाते हैं। तो रामचरितमानस में पूरे भारत के एक एक बोलियों के शब्द हैं, शोध करने वालों ने शब्द निकाल करके रख दिए हैं, लेकिन चित्रकूट नहीं जाते थे। तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में होंगे। तो कहा अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो जहां होंगे वहीं हम जाएंगे। चित्रकूट पहुंच गए तुलसीदास जी और भगवान का दर्शन वहां पर हुआ। एक बार नहीं समझ पाए तो दोबारा आकर के हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। पहली बार चंदन घिसते समय भगवान आए, बोले थोड़ा चंदन मिलेगा महाराज। कहा हटो हटो, ये भगवान के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो जो मांग रहा था वो चला गया। हनुमान जी आए, क्यों भाई अब काम पूरा हो गया, दर्शन हो गया? बोले कहाँ हुआ। बोले चंदन मांगने तो भगवान ही तो आए थे। बोले ओ हो, हम तो जान ही नहीं पाए, अब दोबारा हम चंदन घिसेंगे, भगवान आके ले लें। तो जब दोबारा आए तो हनुमान जी पहले से सतर्क थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर टाल दें। तो उन्होंने ये दोहा पढ़ा। दोहा पढ़ते ही तुलसीदास जी जान गए कि यही हमारे प्रभु हैं, चरणों में गिर पड़े और उनका जीवन धन्य हो गया। तो ये हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसी तरह से जाने कितने देवता, जाने कितने ऋषि महर्षि कथा के प्रेमी हैं। कोई अदृश्य होकर के, कोई रूप बदल करके आते हैं कथा में और बैठ करके सुनते रहते हैं।
तो जितने मनुष्य आए हैं क्या पता उससे ज्यादा देवता ऋषि महर्षि सिद्ध चारण कौन आ गए हों, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहां विंध्याचल में जब कथा शुरू होने वाली थी तो प्रचार हो गया पिशाच की मुक्ति के लिए शिव पुराणों की कथा होने वाली है, बहुत सारे लोग वहां पर आ गए और समाज जुड़ जाने के बाद कथा शुरू हुई। पहले दिन महात्म्य और उसके बाद प्रथम संहिता से लेकर के सातवीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का वर्णन हुआ। आरभ्य संहिता माध्याम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्म्यम समावदत। महात्म्य के सहित सातों संहिताओं का वाचन तुम्बुरु ने सुना दिया पिशाचिक, और शिव पुराण की कथा सुनते ही वो जो पिशाचिक शरीर था बिंदुक का वो छूट गया, उसका रूप दिव्य हो गया और भगवान के यहां से विमान आया। बिंदुक अपनी पत्नी जो पूर्व जन्म की थी चंचुला, उसी के साथ तुम्बुरु को लेकर के उसी विमान में बैठ करके भगवान शिव के लोक में जाकर के पहुंच गए। चंचुला भगवान की पार्वती जी की सखियों में जाकर के मिल गई और ये जो बिंदुक गया था भगवान शिव के इसको अपनों गणों में स्थान दे दिया। इस तरह से उसकी भी मुक्ति हुई शिव पुराण की कथा के श्रवण से।